हम सभी को दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात साझा करने जा रही हूँ आप सभी के साथ, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सुनने वाले और देखने वालों तक इसका सही अर्थ जरूर पहुंच सके, और इसका सल्यूशन भी हमें बहुत ही प्यार से और समझदारी से निकालने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम धर्म का रक्षण करेंगे तभी धर्म हमारा रक्षण करेगा। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप उनका जवाब अपने मन में हाँ या ना में जरूर सोचिएगा। मेरा पहला सवाल, क्या आप अपने माता पिता का या गुरुजनों का अपमान सहन कर सकते हैं? नहीं। मेरा दूसरा सवाल, क्या आप अपने घर की मर्यादा भंग होने पर बहुत खुश होते हैं? नहीं। मेरा तीसरा सवाल, क्या आपके साथ जब कोई बुरा व्यवहार करता है या आपको गलत साबित करता है आप उसको बहुत सहर्षता के साथ स्वीकार करते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल ही नहीं। बहुत ही दुख लगता है जब हम ऐसी बातें सुनते या देखते हैं जिसमें किसी भी धर्म का मजाक बनाया जाता है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स द्वारा फिल्में बनाकर, पोस्टर लगाकर, गलत और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके न जाने कितने ही महान धर्मों को ठेस पहुंचाई जा रही है। कभी भगवान राम और श्री कृष्ण जी के बारे में गलत बोला जाता है, तो कभी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्नों को जलाने की खबर बहुत ही पीड़ा देती है। आजकल तो कोरोना मास्क, टॉयलेट सीट कवर्स, डोर मैट्स और कपड़ों पर भी इन देवी देवताओं की तस्वीरें छपनी शुरू हो गई हैं, जिन्हें प्रयोग करने के बाद कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। मेरा आप सभी से यह हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे किसी भी धर्म के सम्मान को ठेस पहुंचे। आइए सभी मिलकर समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करें, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। यही हमारे राष्ट्र का गौरव है। अगर आपको हमारा प्रयास सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां भारती, राधे राधे।